हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कूलॉम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक बच्चों के मन में डाउट रहता है, बार बार वो पूछते हैं और मिसकंसेप्शन होता है और काफ़ी अच्छा डाउट है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं, समझने की कोशिश करना, अगर दो पॉइंट चार्ज है वो वैक्यूम में है या एयर में है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। तो अगर वैक्यूम में है एयर में है और उनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है, म्यूचुअल फोर्स, एक दूसरे का फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है, तो उन चार्ज पार्टिकल को अगर मैं वैक्यूम से हटा के किसी मीडियम में रख देता हूँ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ, तो मीडियम के चेंज होने से उनके बीच जो लगने वाला म्यूचुअल फोर्स है वो बदल जाता है। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है, पर सच्चाई है कि दो चार्ज के बीच जो म्यूचुअल फोर्स है एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन पेयर वाला, वो नहीं बदलता है। उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, वो जो चार्ज पार्टिकल फील करता है वो चेंज हो जाता है। और वो क्या होता है उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे, मिसकंसेप्शन ये दूर कर देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर में। अगर ये चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम मैं Q1 बोलता हूँ और ये चार्ज पार्टिकल Q2 या डिस्टेंस में है, ठीक है, और ये यहाँ एयर या वैक्यूम में है, एयर या वैक्यूम है प्यारे बच्चों, तो एयर या वैक्यूम है, तो इस चार्ज पार्टिकल वाले पे देखो, इस वाले पार्टिकल पे अगर इसका फोर्स देखोगे तो इधर आ जाएगा, उसको मैं F1 बोल देता हूँ और इसकी वैल्यू होगी QE1। क्यू क्या है? Q2, ये इस पे Q2, और यहाँ पर जो लोकल फील्ड है, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो E1 है, तो उस पे लगने वाला फोर्स QE2, या इसको 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R² भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, ये तब तक सही है जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वैक्यूम में है, ये सारी चीज़ें, डिस्टेंस R है। तो ये अब जैसे ही मैं मीडियम चेंज करूँगा तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर यहाँ देखोगे तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे ये फील्ड बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल देता हूँ, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ही इसमें मीडियम के अंदर रखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम को पोलराइज कर देता है। आप पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पर ये प्लस प्लस प्लेट है कैपेसिटर में या इलेक्ट्रोस्टेट में, ऐसे पढ़े होंगे, और यहाँ पर अगर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, अगर वैक्यूम है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें मीडियम इंसर्ट कर दूंगा, जैसे मैं मीडियम इंसर्ट कर दूँ तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं ऐसे पोलराइज होकर एक नया फील्ड बना लेते हैं, ठीक है, ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं ऐसे पोलराइज हो जाते हैं और एक नया फील्ड बना लेंगे, ये जो फील्ड है इसके अगेंस्ट E2। तो अब देखो, अब जो E1 फील्ड है जो चार्ज की वजह से बन रहा था वो तो है ही यार, और जो एक नया फील्ड जनरेट हो गया E2 इस मीडियम में जो कि इसके अपोजिट है, तो यहाँ पर इस मीडियम में जो रिजल्टेंट नेट फील्ड है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर नेट फील्ड कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों नेट फील्ड आ जाएगा पहले वाला फील्ड माइनस इंड्यूस्ड फील्ड, जनरेटेड फील्ड, जो नया फील्ड जनरेट हो गया मीडियम के, तो दिस इज द नेट फील्ड। तो जैसे ही मैं इस चार्ज पार्टिकल को, जैसे ही मैं इस चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखूँगा भाई, मीडियम में रखूँगा, तो इस पर जो Q2 पर फोर्स लगेगा, तो Q2 पर फोर्स लगेगा वो E नेट हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू है वो मैं F2 ऐसे मान लेता हूँ। तो नेट फोर्स आ जाएगा, वो आ जाएगा Q2 E नेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q2, और E नेट की वैल्यू कितना है? पहले वाला फील्ड माइनस जो पैदा हो गया है यार, तो ये आ जाएगा Q2 E1 और माइनस Q2 E2, तो ये वाला फील्ड आ जाएगा। तो ये जो है, जो F2 है, ये क्या है? F2 एक नेट फोर्स है Q2 पे लगने वाला जब वो मीडियम में है, समझने की कोशिश करना। अगर मीडियम नहीं है, मान लो ये जो मीडियम नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर अगर जीरो रखोगे तो ये देखोगे ये वाला जो फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा, और ये अभी भी वही फोर्स रहेगा। मतलब ये हुआ कि इस Q2 पे जो लगने वाला इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल फोर्स है वो नहीं बदला, लेकिन इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो बदल जाएगा। वो फोर्स यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो लोकल फील्ड है वही फोर्स लगाता है, तो जब फील्ड ही बदल गई तो इस पे फोर्स बदल जाए, बट इनके बीच लगने वाला फोर्स नहीं बदलेगा। हुआ क्या यहाँ पे, Q2 पे पहले ऐसे इधर फोर्स F1 फील कर रहा था,
जो इसकी वजह से Q1 की वजह से अब एक नया नया फोर्स इधर आ गया होगा, ए आ गया मान F1 आ गया होगा ठीक है, जो कि मीडियम की वजह से। तो अब इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो है F2, और वो पहले वाला फोर्स और माइनस जो ये फोर्स मीडियम की वजह से F1 जनरेट हो गया, ये ऐसा कुछ मतलब लगने वाला ये मीडियम की वजह से आया नेट फील्ड, और ये पहले वाला फोर्स है, जो पहले वाला फोर्स वो अभी भी वही है तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ से आप देख सकते हो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कर दोगे, मीडियम हटा दोगे, तो अभी भी उस पर नेट लगने वाला फोर्स Q2 E1 है, जो कि F1 के पहले वाले के इक्वल है। तो ये बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, और ये मैं पहली बार YouTube पे ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत हाई डेप्थ की चीज़ें हैं, जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो मेरे साथ बने रहो और अच्छे से अपना मेडिकल इंजीनियरिंग का अच्छे से तैयारी करो। तो आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दो फोर्स के बीच, हाँ अगर ये कितना टाइम्स कम होता, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाता है, ये जो फोर्स फील करेगा वो के टाइम्स कम फोर्स फील करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।